कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने करनाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बजट के अलावा अन्य मुद्दों पर भी खुलकर बात की। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग में गिरावट का दौर चल रहा है, भारत वैश्विक मंदी का शिकार है, पिछले वर्षों में गलत आर्थिक नीतियां रही हैं, आज का बजट निराशाजनक बजट रहा है। इस दौरान उन्होंने हुड्डा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे वो आज उनकी गोद में बैठे हैं। इसके बाद चुनाव में दुष्यंत के स्पोर्ट पर तंवर बोले कि हमने सत्ता का अहंकार तोड़ने का काम किया है और उसमें हम सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी व कांग्रेस का जो हाल हरियाणा में हुआ वो दिल्ली में भी वैसा ही होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में वापसी की बात पर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनकी कांग्रेस में वापसी मुश्किल है। आपको बता दें कि अशोक तंवर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके समर्थकों की तरफ से 16 फरवरी को सेक्टर 12 करनाल में स्वाभिमान दिवस मनाया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। जिस तरीके से लोगों ने षड्यंत्र किए उसके बाद तो ये सारे साथियों ने भी और बहुत से और साथी जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जो 5 साल संघर्ष करते रहे वो हाथ थे। अब आगे वो क्या रास्ता अख्तियार करते हैं वो तो इन सब लोगों ने मिलकर के करना है, और जो रास्ता अख्तियार करेंगे, हमने तो कहा कि भाई हम तो पूरे हरियाणा में भी और पूरे देश में जो हमारा काम है राष्ट्र निर्माण का, नई लीडरशिप तैयार करने का, वो तैयार करते रहेंगे और हर वर्ग की आवाज को बुलंद करने। यानी अगर साथी कहेंगे तो कांग्रेस में भी वापसी हो सकती है? देखिए वो तो मैं नहीं समझता कि उस तरह के कोई हालात है वो तो, लेकिन कहते हैं कि राजनीति तो संभावनाओं का। आजकल एक डायलॉग चल रहा है, हमारे एक बुजुर्ग नेता प्रदेश से कहते हैं ना, बोले भाई कि मैं सोधा ही नहीं तो भाई कोई सोधा ही नहीं तो क्या क्या करेंगे, जहाँ देख लिया सब कुछ कि मैं सोधा ही नहीं तो फिर वहां तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप इलेक्शन से पहले आप जेजेपी के साथ अपने सपोर्ट भी की थी दुष्यंत चौटाला की, उनके साथ जाने की कोई ऐसी? नहीं नहीं, वो तो देखो हमने उस समय भी कहा था कि हमारे पास बहुत सीमित विकल्प थे, चुनाव का माहौल था, कांग्रेस ने जिस तरीके से अनदेखी करी थी तो वैसे में जिन लोगों का गुस्सा था तो कहीं ना कहीं वो मैं समझता हूँ कि उसको चैनलाइज किया गया, और जो एक 75 पार का नारा देते थे उनको भी समझा दिया कि भाई हवा में मत रहो, थोड़ा जमीन पे आओ काम करो। देखो हाईवे कैसे पड़े हैं, कई कई साल हो गए, दिल्ली चले जाओ इधर चले जाओ कुछ काम ही नहीं हो रहे कहीं भी। तंवर साहब जिस दुष्यंत का आपने साथ दिया है, जिसने लोगों से वादा किया कि मैं सत्ता के खिलाफ लड़ूंगा और हरियाणा को न्याय दिलाऊंगा, वो दुष्यंत सत्ता की गोद में जाके बैठ गए, आपने भी साथ दिया, तो क्या मानते दुष्यंत को, क्या विश्वास? हमने तो देखो जो अहंकार तोड़ने का काम कर रहे थे, जो जो हमें और हमारे साथियों को लगा वहाँ मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंस का भी साथ दिया, दूसरी छोटी छोटी पार्टियों का भी दिया और उनका भी दिया, तो काम अच्छे करें इसके लिए हम लोगों ने मदद करी थी, और मैं समझता हूँ कि उनको जनता की भावना के अनुरूप सब लोगों को मिल गए, प्रदेश की सरकार हो चाहे विपक्ष हो, जिस जिसको जो दायित्व दिया गया है वैसा उनको निभाने का काम करना है। दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? दिल्ली में जो इस समय स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस कहीं में नहीं है चुनाव में, असन से जीत सकते थे, ये जीत सकते थे, इधर से ये हमारे भाई बैठे हैं पानीपत से, इधर ये सारे जितने भी हैं ये नौजवान, इन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को सींचने का काम किया था, जो आज रिजाई में बैठे हुए हैं पहले वो एसी में बैठे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, और यही कारण था कि हमने कहा कि नहीं भाई ये इस तरह का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाजपा बीच नूरा कुश्ती हुई विधानसभा चुनाव के ऊपर, कहना चाहिए? बिल्कुल नूरा कुश्ती क्या, और भी कोई कुश्ती होती है तो वो वाली चल रही है, सब मिला हुआ सौदा है, तभी तो मैंने कहा कि मैं सौदा ही नहीं भाई। तंवर साहब आपने कहा कि स्वाभिमान लोगों को बुलाया जाएगा 12 तारीख को, तो आपने मंच के माध्यम खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वाभिमान है, उन लोगों को भी किसी को बुलाया जाएगा? तो कहा ही नहीं हमने, तो कहा ही नहीं रामलीला ग्राउंड में आपने कहा है, क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वाभिमान है, क्या उन लोगों को भी बुलाया जाएगा 12 तारीख को? इनका स्वाभिमान खत्म हुआ है कांग्रेस, तो जो है ना जो ये सारे साथी ये स्वाभिमानी इनको तय करना है, प्रदेश की जनता और हमारे ये जो जुझारू साथी है इनको तय करना है स्वाभिमानी कौन है, गुलाम कौन है, कौन घटिया मानसिकता का है, कौन पापी है, कौन अत्याचारी है, कौन दुराचारी है, कौन भ्रष्टाचारी है, जितने चारी है उनका सबका जो है ये मिल करके तय करेंगे, और जो इनको अच्छा लगेगा उसको बुलाएंगे। मेरे को भी तो सरकार चल जाएगी जी 5 साल,
देखिए बहुत आपका राजनीतिक अनुभव है इसलिए पूछ रहे हैं। बहुत तरह की टिप्पणियां उठती रहती हैं। अभी तो मैं समझता हूँ कि शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्यों हम मुंह से कहते हैं, कई लोग जो है ना बोलते हैं तो बोले बिटोड़े निकलते हैं, समझ रहे हो ना। हुड्डा साहब के पीछे शुभकामनाएं, सरकार बनी है तो अभी तो शुभकामनाएं देनी चाहिए, और जब जहाँ मौका हो वहाँ सड़क पे, अब सड़क पे आने का टाइम था। पूरे देश में जो है इसके जो कानून लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ वो चल रहा है। हरियाणा में कहीं कोई आपको विपक्ष नाम की कोई चिड़िया देखी, कहीं कोई कुछ परिंदा उड़ता हुआ देखा, कहीं कुछ हो रहा है तो लग ही नहीं रहा विपक्ष है, तो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग बैठे हैं। और इसलिए जरूरत है कि जो लोग इनके नाम लिए भी हैं, बहुत से साथी पीछे भी खड़े हैं, सारे देखेंगे तो जांगड़ा साहब, मालवाल जी इधर, और साथी राणा साहब हमारे कुछ के नाम ले दिए, संजीव जी, ये सब वो साथी हैं जो पहले भी संघर्ष करते रहे और अभी भी मजबूती से साथ खड़े हैं। और इन साथियों ने ये कहा कि जी आपको आना है, आज हम एक मीटिंग बुला रहे हैं और आगे कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। अब आपके सामने ही खुलासा किया, इन्होंने मेरे को भी बताया अभी कि वैसे तो 12 तारीख को जन्मदिन होता है, लेकिन ये साथी उसको स्वाभिमान दिवस के रूप में 16 तारीख को करना चाहते हैं, और सभी स्वाभिमानी लोगों को बुलाएंगे, यही इन्होंने बताया। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, सबको आप लोगों को भी बधाई देता हूँ नववर्ष की भी, और साथ साथ मैं समझता हूँ कि आगे आज यूनियन बजट आया है और देश के हालात कितने नाजुक हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज उद्योग जगत, किसी भी उद्योग की अगर हम बात करें तो 30-40-50% तक हर उद्योग में वो गिरावट आई है। वैश्विक मंदी भी है और वैश्विक मंदी में भारतवर्ष और ज़्यादा बड़ी मंदी का शिकार है, और उसके कारण खुद सरकार की नीतियों में निहित है। विश्व में जो मंदी आई है उसका भी एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं गलत आर्थिक नीतियां जो भारतवर्ष की रही पिछले कुछ वर्षों में, वो उसके कारण बने। और आज इस बजट से बहुत उम्मीद थी कि जो स्लो डाउन है उसको ठीक करेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान गरीब मजदूर उसको ताकत मिलेगी, बड़े प्रोजेक्ट कुछ आएंगे, लेकिन सरकार केवल और केवल बोलने में विश्वास रखती है। हमने ये 5 साल पहले भी देखे और अब करीबन साल भर अब होने वाला है, अब सरकार को कब काम शुरू करेगी, कब किस तरीके से होगा, ये अभी भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। और बजट से जो उम्मीद थी वैसा ना होकर के एक रूटीन की बातें सारी सामने रखी हैं। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट था आज उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई, ऐसे में मैं समझता हूँ कि जब तक किसान गरीब मजदूर के बारे में बड़े पैमाने पर नहीं सोचेंगे और वो जो बोलते हैं जब तक वो लागू नहीं होगा, आज पैसे की घोषणा कर देते हैं लेकिन पैसा नीचे तक पहुंचता ही नहीं है। प्रदेश में भी भ्रष्टाचार है, देश में भी भ्रष्टाचार है, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक मैं समझता हूँ कि देश और प्रदेश सही दिशा में नहीं चलेंगे। आजकल तो हमारे दिन सुनने में आता है कि भ्रष्टाचार, 5 साल हम तो यही कहते रहे भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार, कुछ लोग अब बोलना शुरू किए हैं भ्रष्टाचार, बोलना शुरू किया, अभी तक करना कुछ शुरू नहीं किया है। जो विपक्ष है वो भी बिल्कुल सरकार की जो है छोटी बहन बन करके उसी की गोद में बैठी हुई है। अरे सड़कों के ऊपर निकलो भाई, तो यही सारे साथियों ने कहा कि जी अब समय आ गया है फिर दोबारा हम मजबूती से संघर्ष करें। ये सारे साथी जो है राजनीति भी नहीं आएगी, ये तो बस इसी तरीके से लोगों को भावनाओं में भटका करके कहीं कश्मीर का कुछ कर दिया, कहीं और वो कर दिए, कहीं दंगे करवा दिए, इन चीजों में
इनका मन ज्यादा लगता है, बाकी किसी चीज में नहीं लगता। सर जिस तरह से एयर इंडिया को कह रहे हैं कि भी अब उसका 100% विनिवेश होगा उसमें, यानी सवाल ये उठ रहा है सोशल मीडिया पे, जिनसे एयर इंडिया नहीं संभल रही वो इंडिया को कैसे संभालेंगे, किस तरह देखते हैं इसको? धरती बाटी सागर बाटा, धरती बेची आसमान बेच दिया, सब बेच दिया, बस ये तो मैं समझता हूँ कि इंसान की बोली लगनी बाकी है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।